हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जलवायु को कवर करने वाले हैं और पहला इसका टॉपिक रहेगा मानसून। ठीक है, ये आपके घटनाचक्र पूर्वावलोकन जो आपकी ज्योग्राफी की बुक आती है 2024 का अपडेट वर्जन, उसी की वीडियो होने वाली है। ठीक है, इसकी आपको सीरीज मिल जाएगी। जो पुरानी वीडियो हैं आपको इसी चैनल में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, उन्हें आप देख सकते हैं। ठीक है, इस पे हम नोट्स जो आपकी थ्योरी पोर्शन जो इंपॉर्टेंट है और उसी के साथ प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं विभिन्न एग्जाम, चाहे IAS का हो या आपका PCS हो, विभिन्न भी अलग अलग जो भी आपकी PCS एग्जाम कराती हैं राज्यों की, उन सब के भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम जलवायु को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान देना, देखिए मानसून शब्द की उत्पत्ति आपकी अरबी भाषा के मौसम शब्द से होती है, जिसका तात्पर्य क्या है, तो मौसम ऋतु है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए, परंपरागत रूप से मानसून का संबंध किससे है, तो मौसमी हवाओं के परिवर्तन से है। ठीक है, जिनके माध्यम से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में वर्षा होती। ठीक है, आपको देखिए ये जैसे ग्लोब है पूरा वर्ल्ड का, आप ये देखेंगे ये बीच में आपकी भूमध्य रेखा हो जाती है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर जिसके मतलब दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण कहाँ हो जाएगा, दक्षिण आपका इस तरफ का एरिया हो जाएगा और दक्षिण पूर्व ये यहीं पर आपका भारत भी स्थित है, चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसका देखिए भारत के कुल वर्षा का अधिकांश लगभग 75% वर्षा जो है कहाँ से होती है, साउथ वेस्ट मानसून से होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका कथन के अनुसार आ जाता है। दो कथन देगा, मान लीजिए यहाँ पर साउथ वेस्ट गया, साउथ ईस्ट लिख दो तो आपको ध्यान देना साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट आ गया ये आपका साउथ हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया, तो यानी इधर से आपकी आती है मानसून हो, ये चीज आपको ध्यान देना है। IMD के अनुसार मानसून सीजन जून सितंबर 2023 के दौरान पूरे वर्ष पूरे देश में वर्षा इसकी लंबी अवधि के औसत का 94% था। भारत में इसकी सक्रियता जून सितंबर के आसपास रहती है, आप जानते हैं भारत में मानसून जून से सितंबर के आसपास ही रहता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ कहाँ से होता है भारत में, तो केरल राज्य से होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर निर्भर करता था, मानसून के समय पर आना कृषि के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और बहुत ही जरूरी भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये लाइन आपको ध्यान देना, भारत एक उष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश, ये चीज आपको ध्यान देना है, उष्ण है। ठीक है, हालांकि भारत देखिए उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में रखा जाए, तो यहाँ पर देखिए उष्ण जलवायु या उष्ण एवं उपोष्ण कटवायु कटिबंध वाला प्रदेश का है, तो ये भी चीज आपको सही है, चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, देखिए ये आपको जैसे भारत का मैप है, आपको जो भारत में मानसून प्रवेश करता है वो यहाँ से प्रवेश करता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप देखेंगे यहाँ पर आपका केरल पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ही सबसे पहले प्रवेश करता है, ये ऐसे जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऐसे जाता है, आप देखेंगे यहाँ पर पश्चिमी घाट पड़ जाता है, पश्चिमी घाट पड़ जाता है तो यहाँ पर वर्षा होती है, लेकिन इसके जो इस तरफ का एरिया है पूरब तरफ का, यहाँ पर वर्षा नहीं होती है क्योंकि ये छाया क्षेत्र पड़ जाता है पश्चिमी घाट का, ये चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ पर वर्षा ना हो, इस एरिया में वर्षा नहीं होती है, पश्चिमी घाट के ऊपरी हो जाती है लेकिन निचले हिस्सों में नहीं होती है, ये यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे अरावली, सतपुड़ा, दक्कन गफहर, ये सब चीजें पड़ती हैं। ठीक है, तो ये वर्षा जो है देखिए यहाँ पर तो वर्षा होती है यहाँ पर, लेकिन इसके इस कोने तरफ वर्षा नहीं होती, जैसे आप राजस्थान के एरिया देखते हैं, ये राजस्थान के एरिया में यहाँ पर कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर वर्षा नहीं होती और उसके दूसरी तरफ वर्षा होती है। ठीक है, ये मानसून क्या होता है, यहाँ से जो भी जगह मिलती है यहाँ से जाता है, आगे बढ़ता है, यहाँ से आगे बढ़ता हुआ जाएगा, यहाँ वर्षा करेगा, इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपका ये हिमालय पड़ जाता है, हिमालय पड़ जाता है तो ये ऐसे जाती हैं और यहाँ से फिर वापस आती हैं, यहाँ से वापस आने पर ये इस क्षेत्र में आपके उत्तरी मैदानों में वर्षा का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय पड़ जाता है, हिमालय से ये हवाएं वापस लौट कर आती हैं और इस क्षेत्र में भी वर्षा का काम करती हैं, चीज आपको ध्यान देना। ठीक है, ये रफली आपका तरीका है, इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि भारत में वर्षा किस प्रकार से किस कारण से होती है। ठीक है, चीज आपको ध्यान देना है। देखिए आपको माइंड वह जियोग्राफी एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसपे आप देखिए सिंपल तरीके से सोचेंगे, यदि आप जैसे मानसून आप देखते हैं, आप अपने आसपास भी देखिए मानसून क्यों बनता है, क्या कारक है, तो आप इस सब चीज़ें बड़े जनरली समझ सकते हैं। आप मैप बेस्ड सोचेंगे तो काफ़ी आसानी से समझ जाएंगे, अब बिना ना मैप के सोचेंगे तो अरे यार क्या शब्द है, कैसे क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, इससे आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए भारतीय मानसून की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये आप देख सकते हैं, मानसून की उत्पत्ति का जो मुख्य कारण हो जलीय एवं स्थलीय भाग का भिन्न भिन्न दर एवं मात्रा में गर्म होना है। ठीक है, जलीय स्थिति का गर्म होना और स्थलीय स्थिति का भी गर्म होना है, क्योंकि देखिए जब जलीय स्तर गर्म होता है यहाँ ये पानी जो है वाष्प बनता है, वाष्प बनकर ये ऊपर जाता है आसमान में, आसमान में बादलों में ये संचित होता है, आप देखते हैं,
जब ये सिंचित हो जाता है और जब वो बादल उस भार को उठा पाने में सक्षम नहीं होते हैं तो वहीं बारिश हो जाती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आप देखेंगे क्लाउड बस्टिंग की घटनाएं होती हैं, बादल के फटने की, वो भी उसका भी क्या कारण है, क्योंकि जब जो बूंदे हैं उनकी जब मात्रा अधिक हो जाती है बादल में और बादल उस वजन को उठा नहीं पाता तो जहां पर जाता है वहीं पर गिर जाता है, इकट्ठा गिर जाता है। जहां पर जैसे बादल देखिए इतना पानी लिए है, अगर ये इकट्ठा एक ही जगह पर गिर जाएगा तो इसे क्लाउड बस्ट की घटना कहते हैं, चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में तापमान बहुत ऊंचा रहता है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में, उत्तर पश्चिम में ये कौन सा हो जाएगा, तो ये देखिए ये जैसे आपका यहाँ पर आप देखेंगे ये भारत है, यहाँ अगर उत्तर पश्चिमी आप देखेंगे ये उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मैप बना के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट उत्तर क्या कह रहा है यहाँ पर, उत्तर पश्चिम तो उत्तर हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा यानी इस तरफ, ठीक है। ये गर्म होता है, आप देखिए राजस्थान के लिए आप जानते हैं राजस्थान महाराष्ट्र तरफ काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है, गुजरात तरफ, ठीक है। इसी कारण से क्या होता है, यहाँ निम्न वायु दाब क्षेत्र विकसित हो जाता है, ठीक है। इसके विपरीत आपके हिंद महासागर देखेंगे अपेक्षा करती है ठंडा रहता है और वहाँ उच्च वायु दाब बन जाता है, ठीक है। इसमें उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जिसे हम ITCZ कहते हैं, ये उत्तर की ओर स्थानांतरित होता है और ये ITCZ ये जो है आपका इसके निकट निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र बनता है जहाँ उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों से व्यापारिक पवने आकर मिलती हैं। इस क्षेत्र में वायु ऊपर की ओर उठती है, ठीक है, निम्न वायु दाब है तो यहाँ पर वायु जो है ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर खिसकने से दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवने 40 डिग्री से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच भूमध्य रेखा पार करती हुई दिशा परिवर्तन के साथ दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। भारत में प्रवेश कैसे करती है, दक्षिण पश्चिम मानसून, जो जो देखिए मैं बता दूं उसे आप याद कर लीजिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून आपको ध्यान देना है कि भारत में किस कारण से प्रवेश करती है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसको देखिए पूर्वी जेट प्रवाह की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये चीज आपको ध्यान देना, पूर्वी जेट प्रवाह, पूर्वी जेट आप देखेंगे, ठीक है, पूर्वी जेट प्रवाह जो है इसकी उत्पत्ति हिमालय एवं तिब्बत के उच्च स्थलों के ग्रीष्म तापन यानी समर हीटिंग से होती है, यानी पूर्वी जेट प्रवाह की उत्पत्ति कैसे होती है, तो हिमालय और तिब्बत के उच्च भागों में जो हीटिंग होती है उसके कारण होती है। इन उच्च स्थलों में हुए विकिरण से क्षोभ मंडल में वायु का क्लॉकवाइज सर्कुलेशन आरंभ होता है, वायु राशि दो दिशाओं में चलने लगती है, इन धाराओं में एक भूमध्य रेखा की ओर बहती है और दूसरी जिसे हम पूर्वी जेट प्रवाह कहते हैं, पश्चिमी जेट प्रवाह ग्रीष्म ऋतु में भी मध्य एशिया के ऊपर बहती है। भारतीय जलवायु पर हिमालय एवं तिब्बत का जो बहुत गहरा प्रभाव है, ये चीज आपको ध्यान देना, भारत में मानसून पवनों की उत्पत्ति हिमालय एवं मध्य एशिया के ग्रीष्म तापन और भूमध्य रेखीय जो बेसिन है इसके उत्तर की ओर स्थानांतरण के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है, ये चीज आपको ध्यान देना। मानसूनी वर्षा की बात कर लेते हैं, देखिए मानसूनी वर्षा जो है ये निरंतर नहीं होती रहती है, इनके वर्षा काल में अंतराल पाया जाता है। भारत के उत्तरी मैदान में देखेंगे अब दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कि वर्षा करता है, ये चीज आपको ध्यान देना। उत्तर मैदान में दक्षिण पश्चिम मानसून और उसके साथ ही उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात आते हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ वो जिम्मेदार है, जबकि पश्चिमी तटीय भाग में दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ ही अरब सागर से उठने वाले चक्रवातों द्वारा भी होता है, ठीक है। भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा की गहनता समुद्र तट से दूरी घटने वाली मौसम दशाओं के तथा पूर्वी अफ्रीका के तट के साथ भूमध्य रेखा जेट की प्रवाह की स्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। जो आपका भारत का पश्चिमी तट है, देखिए वर्षा की गहनता और समुद्र तट से जो है इसकी दूरी कम होती है, इसके कारण से आप देखेंगे अफ्रीका भी आपके में पड़ता है इसके पास ही, ठीक है। आप देखेंगे मेडागास्कर उसके बगल में आपका अफ्रीका ही है। यहाँ पर देखिए भूमध्य रेखीय जेट जो है इसकी प्रवाह की स्थिति पर ये निर्भर करता है यहाँ पर वर्षा, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या एवं उनका मार्ग अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण की स्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है, इसे मानसून ट्रफ कहते हैं, ठीक है, मानसून द्रोणी, ये चीज आपको ध्यान देना है। मानसून में विच्छेद, इसका मतलब क्या, देखिए मानसून में विच्छेद यानी ब्रेक इन द मानसून, मानसून में विच्छेद उन स्थितियों को प्रभावित करने से है जब सतह चार्ट पर कम दबाव का गर्त नहीं देखा जाता और समुद्र तट से लगभग 1.5 किलोमीटर निचले क्षोभ मंडल स्तर में 2 दिनों से अधिक समय तक पूर्वी हवाएं व्यवहारिक रूप से अनुपस्थित रहती हैं। मानसून विच्छेद का प्रमुख कारण क्या है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसका कारण क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कमी आना, या तो फिर इंटरकॉन्टिनेंटल जो आपका
ये आपका विसरण क्षेत्र है, इसकी स्थिति में परिवर्तन आना है। इसको देखिए मानसून का प्रत्यावर्तन क्या है, तो द रिट्रीट ऑफ मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के उत्तर पश्चिम भाग के 1 सितंबर से लौटना शुरू कर देता है और 15 सितंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात के अधिकांश भागों में चला जाता है, यहाँ से चला जाता है। मध्य अक्टूबर तक ये दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिणी प्रायद्वीप तक लौट जाता है। लौटती हुई पवने बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करती है और उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु पहुंचकर वहां पर भी वर्षा कर देती है। यानी जो आपका तमिलनाडु का एरिया है वहां पर आपके लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ, ये देखिए प्रश्न कोश है आपके, देखिए या इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, देख सकते हैं एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका अरबी भाषा में है, ठीक है, चीज आपको ध्यान देना है। और मौसम शब्द से हुई है, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, क्या है सही है, बिल्कुल सही है। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये आपको बताना है ABAP 27, ये इंडेक्स है, इनमें आपको ये बताना है देखिए वह किसके वितरण में संदर्भ में दिए गए निर्देशों में, मानचित्र देख कर बताएं कि वह किसके निर्देशों में, तो आपका देखिए इस पे ये ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए इंडेक्स आपको दिखाए गए हैं, यहाँ पर पूछा गया है देखिए कौन सी रेखाएं जो हैं, यहाँ पर देखिए मानचित्र में आपको ये दिखाया गया है, ये स्पष्ट हो रहा है कि उपर्युक्त रेखाएं समताप रेखाएं, अर्थात मानचित्र माध्य ताप को दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका माध्य ताप इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए ये आपका भी कथन है और तर्क है, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह, बिल्कुल सही बात है, भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है, तो क्या ये बात दोस्तों सही है, तो ये आपकी गलत बात है, ठीक है, आप देख सकते हैं ए सही है लेकिन आपका आर गलत है। भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, बिल्कुल सही बात है, उष्णकटिबंधीय देखिए अक्षांशों की बात करें तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी से 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांशों के बीच में अवस्थित नहीं है, बल्कि इसके मुख्य भूमि का विस्तार आप देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में, ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत देखिए उस विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध दोनों में स्थित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो ये केरल से होता है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कैसी होती है, देखिए अभी हमने देखा था थ्योरी में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत में देखिए यहाँ पर ध्यान देना, भारत में अधिकांश से देख सकते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। भारत में मानसून की उत्पत्ति किन पवनों के कारण होती है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, दक्षिण पश्चिम पवनों के द्वारा है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च दाब और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण ये प्रवाहित होती है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए ये जलवायु आरेख है, यहाँ पर देखिए उपर्युक्त जलवायु आरेख किस क्षेत्र के प्रसंग में है, तो ये देखिए भारत, ये देखिए आज पहले ऐसे क्वेश्चन था, हालांकि ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक है, तो आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, तो सबसे सूखा स्थान आपका लेह है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद भारत के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है, तो ये आपकी 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये देखिए 2001 का क्वेश्चन, हालांकि अभी क्वेश्चन आते नहीं लेकिन आपके लिए ये देख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको ये यहाँ पर दिया गया है और पूछ रहा है यहाँ पर तापमान लगभग कितना होता है, ठीक है, इन क्षेत्रों को लिया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे ना 30 से 32 डिग्री नहीं होगा, ठीक है, न 27 से ये होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही हो सकता है, ठीक है, ये चीज आपको ऑप्शन नंबर बी आपका ये हो जाएगा। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, दैनिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो ये देखिए ये इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो राजस्थान के मरुस्थली भागों में इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है, एक सेकेंड। भारत में देखिए राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। दैनिक तापांतर आप देख सकते हैं मरुस्थलीय जलवायु की विशेषताओं में से एक, ये चीज आपको ध्यान देना, मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पर
दैनिक तापांतर काफी ज्यादा पाया जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए एक सेकंड, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य, एक सेकंड दोस्तों, ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो तमिलनाडु देखिए मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो नवंबर और दिसंबर है। ठीक है, सामान्य मानसून जो आता है तमिलनाडु में, नवंबर और दिसंबर के महीने में आता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना। ठीक है, और यदि उत्तर भारत की बात करें तो ये जून से सितंबर के आसपास आपका आता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? तो ये आपको ध्यान देना है, स्थल और समुद्र का विभेदी तापन। स्थल आपका गर्म होता है, समुद्र आपका गर्म होता है। यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान, जो वाटर होता है दोस्तों, ठीक है, वाटर आपका गर्म काफी लेट होता है, लेट गर्म होता है, ठीक है, काफी समय में। और जब ये ठंडा भी होता है ना, ठंडा भी ये काफी देर में होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। जो समुद्र होते हैं, इनका जल जो होता है काफी लेट में गर्म होता है, काफी लेट में ठंडा भी होते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद एक सेकंड, अब हम आगे देख लें। इसमें भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन उत्क्रमण वाला है, जिसमें हवाओं की दिशा 6 महीने उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा शेष 6 महीने तक दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक रहती है। इन मानसून हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में भिन्नता के कारण होती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, इस पर देखिए 16वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। बिल्कुल सही बात है, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर बी है, सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 16 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। देख सकते हैं आप, दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में मानसून की अवधि कम होती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। दक्षिण भारत में मानसून जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है, जबकि उत्तर भारत में ये अधिक समय लेता है, और इसकी वापसी देख सकते हैं, दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में जल्द पलायन भी कर जाती है। ठीक है, जब उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि का पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। भारतीय मानसून को देखिए पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में पूछा गया है, कौन सा कथन सही है? तो देखिए आईओडी की घटना जो है उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंदी महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। तो क्या ये बात सही है? तो आपकी ये बात गलत है, आईओडी की घटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित करते हैं, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इंडियन ओशन डाइपोल जो है भारतीय नीनो के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपको, इसे हम इंडियन नीनो कहते हैं। ये समुद्र सतह के तापमान को अनियमित दोलन का परिणाम है, जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान प्रक्रांत रेड पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षा ठंडा और गर्म हो जाता है, इसलिए आप देखेंगे पहला कथन इस आधार पर गलत हो जाता है। यह परिघटना मानसून पर एलिनो के असर को प्रभावित करती है, चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए जेट प्रवाह के बारे में पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, जेट प्रवाह से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, तो आपको ध्यान देना है ये क्वेश्चन। जेट प्रवाह तिब्बत के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है, तो क्या है सही? बिल्कुल सही है, तिब्बत उच्च भूमि जेट प्रवाह को उत्तर तथा दक्षिण शाखाओं में विभाजित करता है, बिल्कुल सही है। जेट प्रवाह की उत्तरी शाखा भारत में जोड़े में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। वन सेकंड, थर्ड तीनों, ठीक, देखिए एक सेकंड, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं उपोष्ण, एक सेकंड दोस्तों, ये देखिए उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम, जिसे हम जेट स्ट्रीम का ये प्रकार है उपोष्ण पछुआ, ठीक है, तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप में ये चलती है। ठीक है, जेट स्ट्रीम, ये उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम जो है ये हिमालय के उत्तर में चलती है। ठीक है, तिब्बत उच्च भूमि इन जेट प्रवाहों के मार्ग में अवरोधक का कार्य करती है, तिब्बत का पठार जो है ये आपका इन जेट प्रवाहों के मार्ग में अवरोधक का काम करती है, यानी रोकने का काम करती है। इस कारण से यह जेट प्रवाह जो है दो भागों में बढ़ जाता है, एक इसकी शाखा जो है तिब्बत के पठार के उत्तर की ओर बहती है, और इसकी जो दूसरी शाखा है दक्षिणी शाखा, ये हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। इस दक्षिणी शाखा का औसत स्थिति फरवरी में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर होती है, और इसका दाब स्तर 200 से 300 मिलीबार हो जाता है, चीज आपको ध्यान देना है। और यही दक्षिणी शाखा जो है भारत में जाड़े के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर,
अभिकथन और कारण है। आगरा और दार्जिलिंग जो है एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल सही बात है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में प्रदेशीय पठार जो है यानी पर्वतीय प्रदेश जो है ये अधिक ठंडे होते हैं। तो ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ए और आर सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो उनकी ऊंचाई के कारण भिन्नता होती है, क्योंकि जो नीचे वाला क्षेत्र है वो कम ठंडा होता है, ऊपर वाला क्षेत्र अधिक ठंडा क्षेत्र होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। निम्नांकित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस का है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसका सही आंसर रहेगा आर्द्र दक्षिण पूर्व। ठीक है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र है जो कि मानसून की अरब सागर शाखा से प्रभावित नहीं होता? तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये छत्तीसगढ़ का बेसिन है जो कि अरब सागर की शाखा से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कहाँ पर आर्द्र, एक सेकेंड, आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, कहाँ पर होता है? तो देखिए यहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव तो दो और चार आपको कोच्चि और तेजपुर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है, कोच्चि और देखिए तेजपुर है, यहाँ पर अधिक आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है। ठीक है, मानसून का निवर्तन की बात कर लें तो ये क्या इंगित करता है? तो ये आपको ध्यान देना साफ आकाश से संबंधित है, बाकी ये दोनों कथन आपके गलत हैं। ये आप देख सकते हैं अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी संचरण वक्त आभासी संचरण के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब उत्तरी मैदान पर शिथिल हो जाता है और धीरे धीरे उच्च दाब इसका स्थान ले लेता है। और नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनों जो है उत्तर के मैदानों से हट जाती है। देख जानते हैं उत्तर के मैदानों में आप देखेंगे अक्टूबर में बारिश नहीं होती, तो आपकी मानसून पवन वहां से हट जाती है, तभी बारिश नहीं होती। ठीक है, काफी सिंपल, देखिए लैंग्वेज थोड़ा कठिन होती है, यदि आप इसे तोड़ तोड़ पढ़ेंगे ना काफी सिंपल है और व्यवहारिक चीजें हैं जो आप खुद अपने आसपास पर्यावरण में और देखते हैं। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती, बस आप शब्दों को अच्छे से ध्यान दीजिए। अब देखिए ये जेट वेस्टइंडीज के बारे में आपको ध्यान, इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ पवन कहलाती हैं, तो क्या ये बात सही है? तो आपकी ये बात बिल्कुल गलत बात है, वेस्टइंडीज इन्हें कहते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहिताओं माइंस्ट एयर मासेज पछुआ पवनों के भाग हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी तो सही है यानी केवल दो, लेकिन आपका पहला कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। ये आप देखिए सामान्यता देखिए 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पछुआ पवने चलती हैं, इसे ही कहते हैं पछुआ पवन। ठीक है, जो कि 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलते हैं। ठीक है, उपोष्ण वायु दाब प्रतिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब प्रतिबंध की ओर चलने वाली पश्चिमी पवनों को ही हम पछुआ पवने कहते हैं। पछुआ पवनों के सर्वश्रेष्ठ विकास जो है दक्षिण गोलार्ध में 40 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जिसे हम IPCZ कहते हैं एक निम्न वायु दाब पेटी है, कहाँ पर स्थित रहती है? तो ये आपकी भूमध्य रेखा पर स्थित रहती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। राजस्थान में मई जून के महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये देखिए कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति आपका यही चीज सही हो जाती है। ठीक है, इसको देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए बात कर लेते हैं राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, इसका कारण क्या है? तो देखिए मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, यहाँ बहुत गर्मी होती है, यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं सुस्त रहती हैं। ये बात देखिए आप सही कह सकते हैं, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं जिसके कारण ठंडा होने के कारण आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है, किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं कर। देखिए हवाएं किनको नहीं पार कर पाती, जैसे अरावली का पड़ जाता है, अरावली की पहाड़ियां पड़ जाती है जिसके कारण से मानसून उस तरफ नहीं जा पाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन यही सही है, क्योंकि देखिए जल उपलब्ध नहीं, ऐसा नहीं है, जल है लेकिन काफी मात्रा में नहीं, यानी वहां नदियां वदियां नहीं है, बाकी पानी पीने का पानी उपलब्ध है वहां पर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है।
राजस्थान में देखिए बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ पर हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं मिल पाती है। अरावली देखिए, ये देख सकते हैं आप, अरावली पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के चलने की दिशा के अनुरूप होने के कारण उसी दिशा में रहती है, जिसके कारण से मार्ग में बाधक नहीं बन पाते हैं, अतः मानसून जो है सीधे निकल जाता है। क्योंकि बाधक कार्य अगर वहां पर देखिए, ये ऐसे देखिए, ये है यहाँ से अगर पवन आ रही हैं, अगर यहाँ से पवने आ रही हैं, तो अगर ये ऐसे होती तो ठीक है, लेकिन ये आपकी ऐसे बनी हुई हैं, जिसके कारण से इसी लाइन में बनी हुई है और ऐसी हवाएं निकल जाती हैं सीधा, रुकती नहीं है, तो इसलिए आपको यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कार्यक्रम काल क्रम के अनुसार आपको बताना है, ठीक है? तो 29वें का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले आपको देखिए बसंत ऋतु आता है, बसंत ऋतु में क्या वैशाख पड़ता है, ठीक है? भारतीय परंपरा के अनुसार आपको बताना है, ये आरओ एआरओ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ आषाढ़ में रहता है, वर्षा ऋतु श्रावण से भाद्र के बीच में रहता है, शरद आपका आश्विन से कार्तिक के बीच में, हेमंत आपका मार्गशीर्ष से पौष के बीच में, शिशिर आपका माघ से फाल्गुन। इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको ध्यान देना है। कोपेन ने भारत की विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया है, तो ये ध्यान देना है आपको, CWG है ये चीज, आपको ध्यान देना है, ठीक है? भारत के विशाल मैदानों की जलवायु के लिए CWG शब्द को इन्होंने प्रयोग किया था, किसने? कोपेन ने। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपर्युक्त वर्णन है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। अभी जैसे हमने देखा तो ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जलवायु से संबंधित यहाँ से आप देख सकते हैं जलवायु का टॉपिक आपका खत्म होता है। बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।